हेलो एवरीवन, आज क्लास रे आम देखा सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट थ्री। यह पूर्व दुईट पार्ट आम सरी जाता जो मैंने भी देखी नहाँ देखी दिंतु कारण से देखा पर ही आप भल भाव बुझीपारे। सो जेपरी मुझको कही सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट थ्री में आम सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन को करवा सल्व करवा। सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन को सल्व करने पूर्व तहार कि कनसेप्ट को आमको भल भाव बुझाक पड़ो। देखो तार तीन टा कनसेप्ट रही, गोटे रही सेंटर कनसेप्ट, मो सह आपने नोट कर चलतु सेंटर। गोटे रहिबो अवे कनसेप्ट, ओके लास्ट रहिबो मिक्स्ड कनसेप्ट। मिक्स्ड कनसेप्ट माने सेंटर आउ अवे रे जहां आपण माने सिखिबे से दीटा को मिक्स करी जो क्वेश्चन देतबो से रहिबो मिक्स्ड कनसेप्ट। ठीक अछि, कौन फॉर एग्जांपल आपण को कहि थिबो गोटे सर्कल बा राउंड टेबल अछि जो थ्री की आठ जन बा छ जन बसछन्ति, छ जन बा चार जन बसछन्ति सेंटर आड़ को फेस करी। ठीक अछि, समस्ते टेबल रो सेंटर आड़ को फेस करी चार जन ए बी सी डी व्हाटएवर दे मे बी से माने बस किंतु एठी हमको बुझिया को पड़िबो जदि क्वेश्चन रे आपण को टुवर्ड्स सेंटर कहि छि टेबल रो सेंटर आडा को कहि छि अर्थात देखंतु एठी हमें गोटे राउंड करी बसे छि। फॉर एग्जांपल मझिले आपण माने अछंती बा मु एवं आपण समस्त राउंड करी बसनी मझिले किछ अछि मोबाइल अछि कैमरा अछि देन मोर राइट साइड कोटा हबो मोर लेफ्ट साइड कोटा हबो आपण देखि पर छथि। मोर राइट साइड माने जदि मु एई पट को एई पट को गली माने जदि क्लॉक वाइज गली ताहाले मोर सेटा हेबो लेफ्ट वाइज लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड, जदि मु एई पट को एंटी क्लॉक वाइज गली ताहाले सेटा हेबो मोर राइट साइड। ता माने क्लॉक वाइज जदि जणे मूव करूची सी तारो लेफ्ट साइड को मूव करूची एवं जदि जणे एंटी क्लॉक वाइज मूव करूची एटा हला क्लॉक वाइज एटा हेउची एंटी क्लॉक वाइज। जदि एंटी क्लॉक वाइज मूव करूची देन सी तारो मूव करूची। एही कांसेप्ट हेउची बहुत इंपोर्टेंट सिटिंग अरेंजमेंट रो सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करबा पई। ठीक अछि, मु पूर्ण इतरे आपण मानको कहू देखंतु किछि गोटे मझिरे रखंतु एवं मझिरे चारि पटरे आमे जदि गोटे गोल बुलीबा मु जदि क्लॉकवाइज बुलीबी ता माने एही परि भाबरे क्लॉकवाइज बुलीबी केउ हैंड हला मोर लेफ्ट हैंड। ठीक अछि, एवं जदि एंटी क्लॉकवाइज पछ को बुलीबी ताहाले केउ पटे बाटे बुलीबी मोर राइट हैंड। ता माने जदि से क्लॉकवाइज बुलुची से लेफ्ट हैंड हबो एंटी क्लॉक। ठीक अछि, फॉर एग्जांपल जे देखि आपन को कहि पारे ए बी सी डी चारि जना गोटे सर्कुलर टेबल रे बसछि फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। ठीक अछि, कहि दिबो फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर देखिबो ए इज सेकंड लेफ्ट of b। ठीक अछि, ताहले बेस के हला बेस हला b a अछि सेकंड लेफ्ट रे b र तबे एठी आपण जते बेले क्वेश्चन स्टार्ट करिवे सॉल्यूशन बेस को आपण जे कोनोसी प्लेस रखि परिबे बेस को आपण b को एठी रखि परिबे b को एठी रखि परिबे एठी रखि परिबे बा एठी रखि परिबे जेउठी चाहिले मते b को रखि परिबे। वर्तमान देखंतु जदि मु b को एही प्लेस रे रखली ठीक अछि एठारे मु बी को रखिली सो बी अनुसार आमको फाइंड करिवार अछि ए रो प्लेस। ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, बी रो सेकंड लेफ्ट रे ए रहिबो। बी रो लेफ्ट माने कोन देखो तो एई पटे माने क्लॉकवाइज जिबा को पड़िबो। एठी बी अछि जदि हम क्लॉकवाइज जिबा ताहले ये हबो फर्स्ट एवं आउट क्लॉकवाइज गले ये हबो सेकंड। ता माने हमर ए केउठी रहिबो ए रहिबो एठी। जते बेले हम सॉल्यूशन करिवा स्टार्ट करिवा प्रॉपर गोटे गोटे को फिगर कही देवी कि ड्र करेंगे आपण भल हम। ठीक अच्छे, सो बर्तमान आप बुझे ठीक से देखा अवे आड़ को जाऊँगी अर्थात ठीक से गोटे सर्कल अच्छी कह जस्ट अ मिनट आपण को कह ए बी सी डी आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर away from center, okay? तार अर्थ चारि जन अछन्ति जो माने कि सेंटर रो अवे करछन्ति एटा सेंटर सेंटर को फेस करथान्ति सेंटर रो बाहर को फेस करछन्ति।
ठीक अछि तेबे आपण केमिति करबे जस्ट तार रिवर्स तार उल्टा वर्तमान देखो तो मु अछि वर्तमान मोर फेस का सेंटर अडक रो सेंटर रो सेंटर रो बाहर अडक फेस हो छि वर्तमान मो फेस का सेंटर अडक फेस न करी सेंटर रो बाहर अडक फेस कर माने मोर क्लॉक वाइज कोण हो एही परी ही मोर क्लॉक वाइज हो एवं जदी मु क्लॉक वाइज गली ताले रे मोर केउ हैंड हो देखि जंदु राइट हैंड हो दैट मींस जदी सेंटर रो बाहर को केही फेस करूथिबे एवं सीए क्लॉक वाइज लिबे देन तार फेस केउ आडक हो राइट आडक माने तार मूवमेंट को आडक हो राइट आडक ठीक अछि ठीक से मिति जदी मु मोर एंटी क्लॉकवाइज माने दिस साइड आसीबा को चेष्टा करली ताहेले मोर एडा हबो लेफ्ट हैंड ता माने जदी केही सेंटर रु बाहर आडो को फेस करूथिबे एवं एंटी क्लॉकवाइज चलीबा को चेष्टा करिवे देन तारो मूवमेंट हिजिबो लेफ्ट आडो को क्लियर बुझिबाले गोटे क्वेश्चन देखंतु कोन कहिली ए बी सी डी ई ए बी सी डी फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर सेम क्वेश्चन रहिबो ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी ठीक अछि देखो तो सेम पोजीशन माने सेंटर आडो को जो स्टेटमेंट मु देई थी एथे मतलब सेम कंडीशन ही रखली बट एथिरे कोन अछि ना सेकंड ही अछि एवं ए बी को ही कहा जाय छि मूवमेंट हम खाली आपन को बुझेबी आंसर हम मतलब सेम ही आसीबो बट मूवमेंट ही मु आपन को अलग बुझेबी देखो तो एठी कहि छि आमे आपन को कोन कहली एठी मु साउथ रे बी को नै छि एठी मतलब साउथ रे बी को नै गले जहा दर के आपन को कंफ्यूजन हबो नै ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी बी केउ केउ टच केउठी अछि एठी अछि केउ पट को फेस करी सेंटर टू अवे को फेस करी वर्तमान तर लेफ्ट टा केउ पट हबो जते बेला हम देखिथिले सेंटर माने सेंटर क्वेश्चन रे से राइट हैंड को एपड को जाईला किंतु एठी जदि एही पर भाब रे जीवो क्लॉकवाइज ताले से राइट हैंड को जीवो ताको लेफ्ट को जीवा पई एंटी क्लॉकवाइज जीवा को पड़िबो देन से लेफ्ट हैंड को जीवो कारण सी फेस रो बाहर को फेस कर छी मधे अपन को फेस कर छी ठीक अछि सेंटर रो बाहर को फेस कर छी जेमति कि मु एबे सेंटर रो बाहर को व्हाइट बोर्ड एडा को फेस कर छी यदि ताले मोर एटा राइट हे जीवो क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हे जीवो ठीक अछि सो एठो अपन बुझी परले जदि ताको सेकंड लेफ्ट जीवा रह छ ता माने ए टू सेकंड लेफ्ट कोन हबो एटा हबो गोटिए एवं एटा हबो दुइटी अर्थात ए प्लेस रे रहिबो ए तेबे आपण एठी कहि परिबे जे मैडम एठी सेंटर रे मध्ये जहां आंसर आसेला एठी अवे रे मध्ये फेस रे आंसर तहा ही आसेला ए रे प्लेस देखो तो तारा रीजन के बड़ा गुटिए हो छि कि एठी चार जन ही प्रश्न अछंदी लेफ्ट रे जाओ कि राइट रे जाओ सेकंड प्लेस में तो सेम ही हबो ना जते बेला हम अधिक अधिक पर्सन मानकर 6 पर्सन 8 पर्सन रो क्वेश्चंस करिबा सेठी आपण भल से बुझि परबे गोटे को इरेज कर देखो तो मिक्स गोटे करिबा मिक्स्ड रो क्वेश्चन मध्य सेम ही रहिबो जते बेले कहिबो से सेंटर आडो को फेस करी छी गोटे पर्सन अछि सेंटर आडो को फेस करी छी देन ताहारो क्लॉकवाइज को लेफ्ट मूव धरिबे एवं एंटी क्लॉकवाइज को राइट मूव धरिबे देखो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को पड़ जाय छी राइट वाइज राइट जाय छी एवं क्लॉकवाइज को पड़ अछि लेफ्ट अछि ठीक अछि जदी आपन को कहिबो केही सेंटर रो बाहर को फेस करछंती देन ताहारो क्लॉकवाइज रे कोन हे जीवो राइट हे जीवो एवं तारो एंटी क्लॉकवाइज कोन हे जीवो लेफ्ट हे जीवो जते बेले आपण क्लॉकवाइज आ एंटी क्लॉकवाइज अनुसार रे एवं सेंटर को फेस करी सेंटर टू अवे को फेस करी ए कांसेप्ट को मन रख देबे सते बेले आपण को सेटिंग अरेंजमेंट आंसर बाहर बाहर बनबो हे जीवो वर्तमान देखो तो मु जमारे मथो कहिबिनी बजे मु आशा करू छी आपण माने बुझि जाइथिबे ए सेम डायलॉग मोर जमारे मथो करिबिनी कारण मु जानि छी एबे आपण कर बहुत गुडीए कंफ्यूजन रहि छी आपण बुझि पारले नि जे केउ आडे लेफ्ट जिबे केउ आडे राइट जिबे तबे एटा बुझिबे कि परि एटा बुझिबे प्रैक्टिस करी जते बेले आमे क्वेश्चन करिबा मु किछ रफ फिगर एठी ड्रा कर देबी ठीक अछि जते बेले गोटे न्यू रूल आमे सिखु से न्यू रूल को समझ सते त मन रखि परिबानी प्रैक्टिस करी करी मन रखिबा ओके मु एई बटे आपण कर सेंटर फेस कर देबी एई बटे आपण कर अवे फेस कर देबी एवं लेखि देबी से जते भी हमें क्वेश्चंस करिबा ताको देखि देखि प्रैक्टिस करिबा जहां फल रे कि आपण कर गोटे क्लैरिटी आसीबो अबाउट द कांसेप्ट देखंतु
आमे कोण प्रथम एपडे कोण करिबा सेंटर को फेस करिबेला गोटे कर दबा केहि जने अछि जे के सेंटर को फेस करछि जदि सेंटर को फेस करूछि ताहाले एही पट को आसीले सेहि जीव क्लॉकवाइज एवं एटा हि जीव तार लेफ्ट जदि एंटी क्लॉकवाइज आसुछि ताहाले सेडा हि जीव तार राइट क्लियर अन्य पटे देखिबा जदि जने अछि जे कि सेंटर रु बाहर को फेस करछि देखो त मु एरो मार्कटा बाहर को रखली ठीक अछि जदि आपण एठी बुझि पा नहंती एम तो मुडी के तळ को पड़ दो छी के देखा जीव न जीव एठी ओके सेंटर रु बाहर को फेस करला ताहेले तार क्लॉक वाइज हे जीव राइट एवं एंटी क्लॉक वाइज हे जीव लेफ्ट क्लियर ए दीटा कांसेप्ट मन रखो तो याकु नहीं हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करबा सो चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमर फर्स्ट क्वेश्चन कौन अछि देखंतु हमर सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 3 रो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अछि ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर फर्स्ट क्वेश्चन हमर कोन आसीला फेसिंग द सेंटर ता माने हमर फर्स्ट स्टेप भी कोन हबो जे आमे प्रथमे गोटिए सर्कल कर दबा एवं ए सर्कल रो गोटे सेंटर कर दबा केतेटा पर्सन अछंती 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी सी डी ई एफ जी एच आठटा पर्सन अछंती माने इवन पर्सन आमे जण को अन्य जण को सामने रे रख दबा एडा हो जे हमरा सेकंड स्टेप भूलिबेनि देखंतु मु एमिति कर दउ छी एरर न करी एमिति कर दे कर देबी जहां फड़े के लिखिबा पे हमको सुविधा हबो फर्स्ट पर्सन आघरे तार सामने रख देली दीटा देखंतु 3 4 5 6 7 एवं 8 ओके आठ ए आठटा पर्सन को हमको रखिबार अछि समस्त को फेस कोन अछि टुवर्ड्स द सेंटर अछि ओके मु ए सब एरो करूनी कारण आपन को भीतर रा स्पेस दरकार पड़ि पारे किछि लिखिबा पाए तेनु मु एरो करूनी खाली जानि दियौ तो जे सेंटर आडा को फेस करछनि ए पटी एरो अदरवाइज मेठी कर दउ छी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहि छी इन्फॉर्मेशन देखिबा फर्स्ट मुठी लिखि लिखि दउ छी फर्स्ट कंडीशन कोन कहि छी D is fourth to the right of H. अच्छा, for वो गोटे जिनसे भूली गली देखो तो एठी हमरो सेमे से कौन करते सेंटर आड़ को फेस करी ची माने आमों को प्रथमे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट राइट बाहर कर दाखो पड़ी हो ता माने ये माने सेंटर को फेस कर चंदी जदी से माने क्लॉकवाइज के ही मध्य बुलु चंदी ताले से माने मरो कौन है जी बोल लेफ्ट हबो एवं राइट को बुली बाबाई से मानों को कौन जगह को पड़ी बो एंटी क्लॉकवाइज जगह को पड़ी बो राइट यही कॉन्सेप्ट को धारी हमें आगे को करेंगे ओके नेक्स्ट देखो तो कौन कही ची डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच माने एच जो ची एच रो डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच एच रो फोर्थ राइट रे डी अछि राइट माने जे कोन साइड पर देखो तो 1 2 3 4 एठ अछि ना फोर कंडीशन फोर रे हमर कोन आसीबो डी आसीबो ओके सो ए जो एच रो राइट रे डी रहिला एटा आपण जे कोनसी स्थान रे मध्ये एच नै पारिबे स्टार्टिंग जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपण पुट करिबे आपण को फिगर रे जो जहां को आपण को बेस दिया जेतिबो जे पर कि एठी बेस कोन अछि डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच डी कोठी अछि एच जोठी अछि तार राइट रे फोर नंबर प्लेस रे अछि तो एडे एच हमर बेस हे गला तेनु आपण जोठी मध्ये चाहिले एच को नै पारि फॉर एग्जांपल मु एठी नै जाउ छी एच को सब गुडिया क्वेश्चन ने हम जते भी प्रैक्टिस करबा अलग अलग प्लेस से मन को बेस को नबा एच को नै गले एच रो फोर्थ राइट रे अछि वर्तमान देखो तो एच रो केउ पटे गले फोर्थ हबो केउ पटे गले माने केउ पटे गले राइट हबो केउ पटे गले लेफ्ट हबो ता देखियो पड़िबो एच जदी एपटे बुलीला क्लॉकवाइज ताहाले एटा हबो तहार लेफ्ट एच जदी एपटे बुलीबा बुलीला एंटी क्लॉकवाइज ताहाले तहार हबो राइट क्लियर क्लियर ना तो आमे एमिति ही जहार दरकार आवश्यक
आमे तार लिखिबा अदरवाइज हमर एठी स्पेस जदि एपर से पढाबा आपनको कंफ्यूज हेला जेबो ठीक अछि आमे प्रथमे एच रो स्टार्ट करले एच क्लॉकवाइज बुलीले लेफ्ट हबो एंटी क्लॉकवाइज बुलीले राइट हबो देखो तुम आपनको कहि छी जते बेले सेंटर को जाउथिबो याको देखि देखि जो मनकर मनने पड़ी बने संगे संगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग रे याको देखि देखि सॉल्यूशन करि परिबे क्लॉकवाइज जदि बुलीला लेफ्ट राइट को जीबा पे एंटी क्लॉकवाइज पड़े जेते बेले फेस ता सेंटर आडे हिथिबो वर्तमान फेस से सेंटर आडे करछि बोली कहि छी तेनु आमो को राइट को जीबा पे डी इज फोर्थ राइट राइट को जीबा पे के वाडे को बुलिया पड़िबो एंटी क्लॉकवाइज ता माने ए टू फोर्थ देखो तो 1 एटा रहला 1 2 3 4 ता माने एठी हमर रहइबो डी ओके सो डी रो पोजीशन हम को मिल गला एवं एच रो पोजीशन हम को मिल गला नेक्स्ट सेकंड कोन कहि छी सेकंड देखि जंतु कोन कहि छी एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एठी कहि छी एंड मने कथा तुम आपन को कहि छी जते बेले एंड बोली देथिबो सेटा से सब बेले फर्स्ट पर्सन को बुझेबो एटा मु केउठी बुझै थली सिटिंग अरेंजमेंट रो क्लास 1 रे बुझै थी जो माने मध्य लेखि नहंती ताको देखि देले मन रखबे एंड कर छी डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच एच रो फोर्थ राइट रो छी एवं एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी बी रो सेकंड लेफ्ट रो छी वर्तमान सेकंड लेफ्ट रे की अछि डी डी कोन अछि बी अछि सेकंड लेफ्ट टू द बी माने एठी लिखि देबा चलंतु बी रो लेफ्ट को अछि सेकंड रे 1 2 ओके वर्तमान फेस करछंती डी एठी आपण देखंतु बी रो लेफ्ट रे डी अछि कहि परबा बी रो लेफ्ट रे डी अछि कहि परबा बा डी रो राइट रे बी अछि बोली कहि परबा कारण बी हम पाखरे एठी नाही हम पाखरे की अछि डी अछि तेनु डी रो राइट रे हमर बी अछि तो डी ठीक अछि डी हमर एठ अछि राइट को जेबा पे कोन जा पड़िबो एंटी क्लॉकवाइज जेबा पड़िबो एंटी क्लॉकवाइज माने दिस साइड क्लॉकवाइज माने दिस साइड एडा हबो लेफ्ट एडा हबो राइट तो डी तर केउठी अछि डी रो राइट रे सेकंड राइट अछि 1 एवं 2 एठी आसी जेबो बी रो पोजीशन बुझि परले वर्तमान जदि हमरे सेंटेंस को देखिबा हमरो सैटिस्फाइड करू जने चेक करंतु कोन कहै छी एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी बी रो सेकंड लेफ्ट एडा हला बी बी पूनी जदि क्लॉकवाइज बुलुची ताहाले हबो लेफ्ट बी जदि एंटी क्लॉकवाइज बुलुची ताहाले हबो राइट तो हेला ना डी बी रो सेकंड लेफ्ट एडा हला 1 लेफ्ट एडा हला सेकंड लेफ्ट सेकंड बी रो सेकंड लेफ्ट रे डी रहला बुझि परले नेक्स्ट आगो को देखिबा क्वेश्चन कोन कहू छी थर्ड कोन कहू छी ओके थर्ड कोन कहू छी एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी बी जोठी अछि बी रो राइट को फोर्थ रे 1 2 3 4 रे के अछि एफ अछि बोली कहू छी बी रो राइट को एफ अछि बोली कहू छी वर्तमान एठी हम को एटा आवश्यक होइ नै केवल कहिबा पे बुझिबा पे लेथि कारण हम पाखरे एठी बी अछि बी रो लेफ्ट आ राइट हम देखि परबा बी जदि क्लॉकवाइज बुलु छी लेफ्ट बी जदि एंटी क्लॉकवाइज बुलु छी राइट हम को कहि छी एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी तो बी रो राइट रे जाई के हम फोर्थ नंबर प्लेस देखि परबा देखो तो 1 2 3 4 आसी गला एठी हमरा आसी गला एफ क्लियर नेक्स्ट पुजिबा बहुत इजी लागिबो बहुत मजा लागिबो जदि आपण पेशेंस फुली करबा को चेष्टा करबे सेकंड कोन होची माने नेक्स्ट पॉइंट कोन होची फोर कंडीशन कोन होची सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई वर्तमान एठी हम पाखरे सी नाही कि ई मध्ये नाही तेनो हम एठी लेखिबा को आवश्यक जोठी आपो पाखरे एठी फिगर रे ऑलरेडी जणा कर प्लेस जणा पड़ी सारची हमें डायरेक्ट लेफ्ट राइट कांसेप्ट देखि पुट करि परबा किंतु जो नाही सेठी हम को एठी लेखिबा को पड़िबो सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई ता माने ई जोठी अछि ई रो राइट रे 1 2 3 फोर्थ प्लेस रे अछि सी ठीक अछि हम या को पुट करिबा करिने आगो को बढ़िबा हु इज नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू बी और डी सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई हु इज नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू द बी और डी वर्तमान देखो तो तार अर्थ कोन होची एठी जेको रिम आपन को कहिथली एंड माने फर्स्ट पर्सन को बुझौची ठीक सेमिति कहिथली हु देईची माने सेटा सेकंड पर्सन को बुझैबो बीच होम एटा देखिले सेकंड पर्सन को बुझैबो ओके
सो एठी हु देची हु माने सेकंड पर्सन એટલે એ સેન્ટેન્સ નું સેકન્ડ પર્સન કે અમારો ઈ આસેલે કારણ સી ઇઝ ધ ફોર્થ ટુ ધ રાઈટ ઓફ ઈ સી હો જે ફર્સ્ટ પર્સન ઈ હો જે સેકન્ડ પર્સન એટી હુ ટા સેકન્ડ પર્સન ઈ એટલે કોણ કહેચી સી ઇઝ ફોર્થ ટુ ધ રાઈટ ઓફ ઈ ઈ નો ફોર્થ કે છી કરદલે હુ ઇઝ નોટ ઇમિડિયેટ નેક્સ્ટ ટુ બી ઓર ડી માને બી રો ઇમિડિયેટ નેક્સ્ટ રે બા ડી રો ઇમિડિયેટ નેક્સ્ટ રે ઈ રહીબો નહીં ठीक अछि वर्तमान देखंतु बी और डी अछि तार अर्थ बी रो पाखा पाखी किमा डी रो इमीडिएट नेक्स्ट रे ई रहिबो नै तार माने ई एथि रहिबनी ई एथि रहिबनी ई एथि रहिबनी बुझि परले हु इज नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू बी और डी माने जे कि जोटा कि सी जहार फोर्थ रे राइट रे अछि देखंतु मु पुनि था आपन को माने आई थिंक आपन टिके बुझि पर नथबे C is fourth to the right of E. Who is not immediate next to B or D? C, E ra fourth right ra chhi. Jete pehle ki E kothi nahi, B aur D ra next re nahi, immediate next nahi. To B ra D pata side ra immediate place pata achhi, khali achhi. Ebe pata fill hai ni. D ra gotiye pata side ra achhi. तो ए दीटा रहले मत डी रो इमीडिएट हे जीवो ए दीटा प्लेस रहले मत बी रो इमीडिएट रह जीवो रही बनी त बंचिला की और रखबा पे खाली स्पेस गोटे ही बंचिला जे कि डी आ बी रो इमीडिएट नेक्स्ट होनी तार अर्थ हमरो ई क्यों रहइबो ई रहइबो एथि बुझि पाले देखो दो करी बाबा आपन को निश्चित भाव रे मजा लागइबो सी कहि छी सी इज फोर्थ टू द नेक्स्ट फोर्थ टू द राइट ऑफ ई हु इज नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू बी और डी ई जे की बी आउ डी रो नेक्स्ट नाही तार फोर्थ नंबर राइट रे अछि हमर सी वर्तमान ई रो प्लेस हमको मिल गला तो ई को देखिबा ई जदि क्लॉकवाइज गला लेफ्ट जीवो ई जदि एंटी क्लॉकवाइज गला राइट जीवो सो एठी कोन कहि छी सी फोर्थ रो फोर्थ प्लेस रे अछि राइट ऑफ ई सो सी रो पोजीशन काढिबा पे ई रो राइट को जीवा को पडिबो जीवा चलंतु 1 2 3 4 ओ प्लेस आसी गला एडा ता माने एठी अछि सी रो प्लेस बुझि परले नेक्स्ट कोन कहि छी हमरो ए इज नॉट एन इमीडिएट ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी ए कोन हबनी डी रो इमीडिएट नेबर हबनी दीटा ही प्लेस हम पाखरे बाकी अछि गोटे होउछि एटा एवं अनडी होउछि एटा जो भीतर कि ए प्लेस ता डी रो इमीडिएट नेबर होउछि ता माने एठी ए रहिबनी ताले ए केउ रहिबो ए रहिबो एठी क्लियर त एठी ओ के बड़ कर देखो ए बी सी डी ई एफ एच जी नाही ता माने जी रहिबो एठी सो एही फार्मूला को लेफ्ट राइट रो कांसेप्ट को यूज करी आमे कोन आनी देले जे सर्कल माने किए कोठी बसि छती बुझि परले सो एठी हमर क्वेश्चन कोन बचछी व्हाट इज बीस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू जी जी अनुसार विथ रिस्पेक्ट टू जी ए पॉइंट को खास माने रखिबे ठीक अछि मु स्टार दे दउ छी कितना स्टार देबे बोलू चारटा स्टार दे चलन ठीक अछि चारटा स्टार दे दउ छी विथ रिस्पेक्ट टू जी जते बेले विथ रिस्पेक्ट टू कह जाय थाए विथ रिस्पेक्ट टू जहां को कह जाय थाए ताकु हमको बेस बोली धरिया को पड़िबो अर्थात एक दी छी विथ रिस्पेक्ट टू जी माने जी केउठी अछि जी रो स्थान अनुसार बी रो स्थान कोण ठीक अछि देखो एठी से पचार छी जी रो स्थान अनुसार बी रो पोजीशन ता कोण किंतु कहि छी कि जी रो लेफ्ट अनुसार ना जी रो राइट अनुसार किछि भी कहिनी तेनु एठी हम को देखि परबा देखंतु ए माने समस्ते सेंटर को फेस करछोनी त क्लॉकवाइज हला लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज हबो राइट ओके सो आमे एठी बी रो पोजीशन कोण लिखि परबा जदि हमें राइट हैंड को जीबा 1 2 3 ताहले हमें कोन लिखि परबा आंसर रे हमें आंसर रे कोन लिखि परबा बीस पोजीशन इज 1 2 3 थर्ड राइट ऑफ जी थर्ड राइट ऑफ जी बा जदि लेफ्ट हैंड देखिबा 1 2 3 4 एवं एडा हे जीबा 5 बातर और आंसर रे आसीबो और फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जी
जीरो राइट रे थर्ड रही परिबो बा जीरो लेफ्ट रे फिफ्थ रे रही परिबो ए दीटा भितरु जेउ ऑप्शन ता आपन को आंसर रे माने जे ए दीटा जे आंसर केबे मध्य अलग अलग ऑप्शन रे दबो नाही ओके ए दीटा भितर कोनोसी गोटियो आंसर देथिबो अदरवाइज जदी दीटा जे देथि ताहाले मध्य बोथ आंसर तो देही थिबा आपन माने जानि छथि ठीक अछि सो आंसर कोन आसला बी व्हाट इज बीस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू जी जी अनुसार बी रो पोजीशन टा कौन ना जी अनुसार बी रो पोजीशन राइट आड़ को 3 एवं लेफ्ट आड़ को 5 क्लियर आई होप आपन मानन को कांसेप्ट ही बुझा पथिबो मु कोन थरे कहो छी लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ए दीटा आपन को मन रखे को पड़िबो ता सहित सेंटर फेसिंग टू हुम पचारे जे माने सेंटर आड़ को फेस करी छी ना सेंटर रो अवे आड़ को फेस करी छी ओके सो सेंटर आड़ को फेस करथिबा गोटे क्वेश्चन आमे सॉल्व करि देले वर्तमान सेंटर आड़ को फेस करथिबा आउ गोटे क्वेश्चन ही करबा मु जमार मध्ये गोटे क्वेश्चन करी सेंट अवे वाला क्वेश्चन देबी ओके आमे आउ गोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा किपरि भाबरे सेंटर आड़ को फेस करथिले आमे ताको केमिति सॉल्यूशन करबा आउ गोटे क्वेश्चन देखिबा ओके चलो तो आगे क्वेश्चन देखिबा देखो तो फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर रो सेकंड क्वेश्चन एटा ठीक अछि आपण माने क्वेश्चन को भल भाबे लिखि दियौ तो साइड अछि बा आपण वीडियो को स्टॉप करी क्लास को पॉज करिवे आपण क्वेश्चंस लिखि परिवे ओके सो स्टार्ट करिबा फर्स्ट देखो तो कोन कहि छि ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर अराउंड ए सर्कल फेसिंग सेंटर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ जन अछन्ति आमे सर्कल करी आठ जन को पई प्लेस रिजर्व कर दबा 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ जन को पई प्लेस कर देले नेक्स्ट कौन कह क्षमा करेंगे फर्स्ट पॉइंट एच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी बी रो फोर्थ लेफ्ट रे एच रहइबो केउ आडा को फेस करचंती सेंटर आडा को फेस करचंती तो क्लॉकवाइज कोन एंटी क्लॉकवाइज कोन मन रखो बंधु जो बा जोटा भी ए पडो को बोलिबो लेफ्ट राइट बोलिबा पे पछो को राइट बोलिबा पे ए पडा का से को पडिबो लेफ्ट बोलिबा पे ए पडा का से को पडिबो ठीक अछि सो फर्स्ट पॉइंट देखिबा एच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी बी जोठे भी अछि बी रे लेफ्ट को जिबा पे केते फोर्थ लेफ्ट करियो पडिबो 1 2 3 4 4 असे जे कैसीबो एच एटा मु क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज को देखि करूनी एटा मु नॉर्मली हमर करू छी जहा जोटा को कि आपन केठी पुट करिवार अछि देखिबा पे एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एंड लाइक जे माने सेटा कहा को रिप्रेजेंट करू छी फर्स्ट पर्सन को एच को कहू छी एच बी रो फोर्थ लेफ्ट रे रहिबो किंतु सेकंड रे रहिबो कहा रो राइट ऑफ एफ त हमर फर्स्ट पोजीशन जहां हमर फर्स्ट काम जहां को बेस दे दे छै हम ता को लिख दबा जोठी भी आपन चाहे लिख पारे आपन एठ लिख दियो बी लिख देले तो बी रो लेफ्ट रे मैडम खाली इरेज कर दो छी कंफ्यूज हे छाड़ दो बी रो फोर्थ लेफ्ट रे ए माने फेस करि छंती सेंटर आड़ को ता माने ए पटे गले लेफ्ट ए पटे गले राइट से केतेटा राइट को जीवो केतेटा लेफ्ट को जीवो हेचे पाई फोर्थ लेफ्ट ता प्लेस 1 2 3 4 8 हैज जीवा हमर एच बुझी पाले हे गला एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एफ सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एफ र सेकंड राइट रे रहिबो एच त एटा हमें कहि परबा एफ र राइट रे रहिबो एच और एच र लेफ्ट रे रहिबो एफ जेतु एकी एफ हमको जाना नाही तो एच हमको जाना अछि एच र लेफ्ट को ने जिबा हमें कहा को एफ को एवं एच र लेफ्ट को माने को आड़ को जिबो एच र क्लॉकवाइज गले लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज गले राइट सेकंड लेफ्ट 1 2 8 रहि जबा हमरो एफ बुझ पाले वर्तमान देखंथु एठी जदि आपण देखिबे एठो आपण कंक्लूज बाहर कर परिबे जदि से क्लॉकवाइज गला एफ रु ताहाले जिबो लेफ्ट राइट को गला जदि एंटी क्लॉकवाइज देखंथु एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एफ रो सेकंड राइट रहि गला ना 1 2 देखिए एच तो जहार बेस हम को मिली जाओ जी बेस रो हमें लेफ्ट राइट अनुसार मध्य नहीं पारिबा सेकंड सल्ला तापर कोन कहि जी ए इज थर्ड टू
the left of C. C आम पाखरे नाही. Who is not an immediate neighbor of F? A होची C रो third left. जीए की. Who लगी थी तो second person को पूछेगा who is not an immediate neighbor of F. जीए की F रो immediate neighbor है बना ही. ता माने F रो immediate neighbor A दीटा place अच्छन्दी. A दीटा है बना ही. ता माने A तीन ते भी तरू क्यों थी गोटे C रो ही बो. ठीक अच्छी तो वर्तमान चलन देखो जब हम एठी सी रखिबा ताहले सी र लेफ्ट रहिबो एटा सी र राइट रहिबो ओही पटबो से कोन कहि छी ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी थर्ड लेफ्ट रे ए रहिबो बुझ पले देखो ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सी सी र लेफ्ट रे थर्ड पोजीशन रे ए रहिबो जब हम एठी सी रखिबा लेफ्ट को आसीबा पे ए पटबा से ऊपर देखो तो 1 2 3 प्लेस रे ऑलरेडी एफ अच्छी ता माने एई जगह रे आमे सी को रख पारिबा नाही ते एथि रखिया को चेष्टा करिबा देखो तो एपट आसे को पडिबो लेफ्ट पई एपट जे को पडिबो राइट पई बुझि पाले सो एथु आमे लेफ्ट को देखिबा 1 2 3 तो क्वाइट पॉसिबल एई जगह रे सी को रखिले एई जगह रे हमरा ए रहि पारिबो क्वाइट पॉसिबल किते बे पर हमरा ठीक नै नेक्स्ट आसीबो एठी एठी जदे हम सी को रखिबा ताले लेफ्ट पे आसे को पडिबो पछो को राइट पे आसे को पडिबो एंटी क्लॉकवाइज तो एठी जदे हम देखिबा 1 2 एवं 3 3 प्लेस रे ऑलरेडी हेच अछि ता माने हमर जो एई जो प्लेस हम मध्य ठीक हैला नाही एई प्लेस रे मध्य हम सी को रखि परबा नाही तो गुटिए प्लेस बचले एटा जोटी के हम सी को रखि परबा यदि सी को एठी रखिबा ताले सी रो लेफ्ट को थर्ड रे के रहिबो ए रहिबो चलो तो काउंट करू तो 1 2 3 सी रो लेफ्ट को रही गला ए सो ए रो पोजीशन मध्ये हम को मिली गला बुझि पारले ना से कोन कहि छी ए इज थर्ड मु बुझि जाउ छी देखो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी सी रो लेफ्ट एड को थर्ड पोजीशन में ए अछि तो सी एटा अछि से फेस पर छि सेंटर एड को ता माने क्लॉकवाइज बुलीले एफ माने क्षमा करबे क्लॉकवाइज बुलीले लेफ्ट एवं एंटी क्लॉकवाइज बुलीले राइट आमो को ए को सी रो क्लॉकवाइज नबक माने लेफ्ट रे नबक अछि थर्ड प्लेस रे सो एडा हे गेला क्लॉक क्लॉक माने एपट आसी बेटा 1 2 3 तो ए ए रो पोजीशन हमर आसी गेला नेक्स्ट देखिबा हु इज नॉट एन इमीडिएट ऑफ नेबर ऑफ एफ आमे तो जानि देले सी रो भी पोजीशन आसी गेला ए रो भी पोजीशन आसी गेला बस आउ तीन जन को पोजीशन हमर बाकी रहिला देखिबा तार कोन आसुची कोची G is second to left of A. A रो left आड़ को second रची G. तो A कहती हम रची A रो जब हमें clockwise जी बात आ रही left anti clockwise गले right. हमों को G पाए second left दी तो जग पड़ी बो G A पर क्या ची 1 2 एठ आज जो second तो एठ रह गला G तो G रो position भी हमों को मिल गला नेक्स्ट देखिबे कोन कहि छी डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई जो भी ई अछि तहार राइट र सेकंड रे अछि डी तो ई हम पाखरे नाही किंतु ई हम पाखरे देखो डी डी भी हम पाखरे नाही आम पाखरे डी भी नाही कि आम पाखरे ई मध्य नाही किंतु आम पाखरे एटा अछि जे से माने समस्त क्लॉकवाइज मु माने सेंटर को फेस करि बसि जंती तो ई र राइट रे के रहिबो डी वर्तमान देखो तो जदी एठी ई रहिबो डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई ई रो सेकंड राइट रे डी रहिबो जदी ई एठी रहिबो ई रो ए पट हे जेबो लेफ्ट ई रो ए पट हे जेबो राइट राइट रे 1 2 प्लेस ही नाही बुझि पाले ता माने एठी डी रहिबो नाही जदी हमें एई पोजीशन रे ई को रखुजे ई रो ए पट हे जेबो राइट ई रो ए पट हे जेबो लेफ्ट एवं डी इज सेकंड राइट कहि छी तो ई रो राइट को जेबा 1 2 एटा हे जाउ छी ता माने एठी रहिबो डी एठी रहिबो ई सो हमर पोजीशन समस्तकर आसी गला एठो बुझि पाले वर्तमान मु कहि परबी जे आई होप आपण मानन को आंसर बुझा पडतो माने कांसेप्ट ता बुझा पडतो सो व्हाट इज द क्वेश्चन क्वेश्चन इज व्हिच इज द इमीडिएट राइट इमीडिएट राइट रे एफ रो की अछि तो एफ को केउ देखि देखंतु एफ अछि एठी पूर्ण थरे सेही कांसेप्ट आसी बस ये फेस करछि सर्कल आडे माने क्षमा करबे सेंटर आडे को तो जदि क्लॉकवाइज बुलुची लेफ्ट हबो एंटी क्लॉकवाइज बुली लेनी राइट हबो आमो को पचेरी छि तर राइट रे की अछि इमीडिएट राइट रे तो राइट माने ए पटो कसिला ए पटो को तो
F रहेगा F डा ओके F रा immediate right रे क्या अच्छी A अच्छी so our answer will be A ठीक अच्छी बुझे पहले वर्तमान देखो तू एठी जो आपनों देखो जंदी गुड मिनट आंसर है एठी जो आपनों देखो जंदी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहिबो एवं सेम क्वेश्चन को ही हमें पूरी तरह चेंज कर परिवा एठी दे जी फेसिंग सर्कल दे जी हमें एठी कर दबा फेसिंग अवे अवे ऑफ सर्कल अवे ऑफ सेंटर ठीक है जी वर्तमान हमें ए क्वेश्चन करे ही अवे रा क्वेश्चन को देख दबा गोटे प्रैक्टिस कर दबा पॉइंट्स हमर सेम ही रहिबो जस्ट खाली पोजीशन केमिति चेंज होची हमें ताको प्रैक्टिस करबा देखो दो सर्कल आसला आठ जन अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके आठ जन अछि एमाने फेस करिसथि बाहर को जदि बाहर को फेस करछथि ताले क्लॉकवाइज जदि बुलीले राइट को बुलीबे एंटी क्लॉकवाइज बुलीले लेफ्ट को बुलीबे कांसेप्ट हम को मन रखबा दछि फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो फर्स्ट पॉइंट माने फर्स्ट पॉइंट कौन कहि छि केउ से स्टार्ट हेला ए स्टार्ट हेला एच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी ता माने बी जेउठि अछि बी रो फोर्थ लेफ्ट रे अछि एच आमे जेउठि भी चाहिले बी को नै परबा चलो तो एठि नै जेबा एठि कौन अछि बी रो लेफ्ट रे फोर्थ रे अछि एच त वर्तमान बी रो लेफ्ट कोटा राइट कोटा क्लॉकवाइज जदि बुलीला राइट हबो एंटी क्लॉकवाइज बुलीले लेफ्ट हबो एवं लेफ्ट रो फोर्थ रे एच एच कहि छी लेफ्ट रो देखिबा 1 2 एडा को इरेज कर दो छी 1 2 3 4 एठी आसी गला एच बुझ पले सेकंड एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एफ सेकंड टू द राइट ऑफ एच सेकंड लाइन छी माने का को बुझो छी फर्स्ट पर्सन को बुझो छी एच एफ रो राइट रे सेकंड हबो ओके ता माने एफ रो राइट रे सेकंड हबो एच त एफ रो राइट रे कहि परबा बा एच रो लेफ्ट रे एफ कहि परबा एच अछि एथि एफ नाही त एच को हमें बेस करबा एफ रो देखिबा लेफ्ट पट कोटा ये माने करि चंती बाहर को फेस ता माने क्लॉकवाइज आसीले हे जीवो राइट एंटी क्लॉकवाइज आसीले हे जीवो लेफ्ट लेफ्ट को सेकंड अछि सो 1 एवं 2 ता माने एटा जीवा हमरो एफ क्लियर एटा जीवा हमरो एफ वर्तमान एठी हम पढिले देखि परबा जे एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एटा एफ अछि त एफ रो क्लॉकवाइज बुलीले राइट एफ रो एंटी क्लॉकवाइज बुलीले लेफ्ट तो एटा हे गेला 1 एवं 2 हमरो कंडीशन सैटिस्फाइड हे गेला वर्तमान देखबा नेक्स्ट कोन होउछि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी सी जेउठि भी अछि तार थर्ड लेफ्ट रे अछि ए ओके हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ हु माने ए सेकंड को बुझो तो सी को सी एफ र इमीडिएट नेबर हबो नाही एटा हबो नी केटा हबो नी ए तीनटा भीतर कोटा गोटे हबो तो एठी आमे कहि परबा सी र लेफ्ट को ए रहिबो बा ए र राइट को सी रहिबो ओके जदी एठ देखो तो सी र लेफ्ट को ए रहिबो जदी आमे एठी सी को रखिबा ताले लेफ्ट 1 2 3 एठी ए आसी परबो की आसी परबो नी कारण एठी हेच ऑलरेडी अछि त केउठी रहिले सी आसी परबो सी जदी एठी रहूची 1 2 3 एठी आसी जाउची ए तेनो आमे सी को कोठी रखिबा एठी रखिबा ताले 1 1 2 3 हमर आसी गला ए एठी क्लियर बुझि परले आसी गला ए सेठी सेकंड कोन होउची एठो जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए जी कोन ना सेकंड काहर लेफ्ट ऑफ ए जेउठी ए रहिबो तार लेफ्ट रे सेकंड को रहिबो जी तो वर्तमान आमे कोंठ रखिबा देखंतु सेकंड लेफ्ट को जदी आमे तीनटा पोजीशन ही हमर बाकी अछि ना
एटा गोटे वाक्यांश जदि आमे ए को एठी रखिबा ताहाले तार लेफ्ट को देखंदु लेफ्ट माने पछ को आसीबो राइट माने आगो को जीवो ओके सो लेफ्ट 1 2 सेकंड पोजीशन रे 8 जी रहि परबो जस्ट ए मिनट मामा एटा हि जीवो लेफ्ट एटा हि जीवो राइट त एठी जदि जी ए रखिबा ताहाले एठी आमे जी को रखि परबा बा जदि आमे एठी रखिबा एपटे पद सेकंड रे जी आसी परबो ता माने एठी हमहु को जणा पडुनी जे ए तीनोटी भितर आमे कोठी रखिबा नेक्स्ट होच डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई डी कोन हबो ई रो सेकंड राइट रे रहिबो तो डी केउठी अछि हमरो देखो तो डी अछि कि डी नाही आई थिंक मु किछ मिस कर देली जस्ट अ मिनट ओके ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी सी रो एडा बाहर को फेस करचोनी ता माने ए क्लॉकवाइज गले राइट एंटी क्लॉकवाइज गले लेफ्ट 1 2 3 ए पर्यंत हमर ठीक अछि हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ माने सी एफ रो इमीडिएट नेबर हबनी राइट सी एफ रो इमीडिएट नेबर हबनी ता माने एठी त सी रहिबनी ओके सी त एठी रहि गला देन जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए राइट अब को ए त अछि ना देखो एटा को मिस कर देली आम को ए अच्छी ए रो सेकंड लेफ्ट रे हमरो अच्छी जी सो वर्तमान ए की ए जदि से क्लॉकवाइज बुलीला राइट हबो एंटी क्लॉकवाइज बुलीले लेफ्ट हबो ओके सो जी तर सेकंड रहबो एडा हिजबो 1 तर लेफ्ट को जदि ए रो लेफ्ट को देखिबा एडा हिजबो 1 एडा हिजबो 2 त माने एठी हमरो रहिजबो जी ओके एठी गोटे मु मिस कर जाउथली मिलि गला नेक्स्ट कोन कहि छी लास्ट लाइन D is second to the right of E. D होची E रो right रे second. Right माने कौन देखो तो clockwise जब हमे बोली बा right anti clockwise बोली बा left. ता माने जब हमारो E को हमे एक ही रखी बा ठीक है ची E को जब एक ही रखी बा E रो ए डाइजी बो right ए बटा हिजी बो left एवं right रे एक डी पे स्पेस अच्छी जब हमे एक ही रखी बा एक डी पे स्पेस नहीं राइट सी अच्छे से ठीक तब हमें ई को एटी रखिबा एवं डी को एटी रखिबा ओके वर्तमान सही क्वेश्चन आंसर देखिबा व्हिच इज द इमीडिएट राइट ऑफ एफ देखो ना आंसर सेम ही आछि जदि से माने करो पोजीशन टा हमें सेम रखिथिबा ताले ऑब्वियसली हमर आंसर सेम आसीबो एफ अच्छे ना इठी एफ रो ए पटा हे जीवो राइट ए पटा हे जीवो लेफ्ट सो इमीडिएट राइट रे की अछि ए अछि ता माने आमे या पूर्वर जो पोजीशंस रे बाहर करथिले बसिबार प्लेस ता आमे एग्जैक्टली ठीक आंसर बाहर करथिले जहा द्वारा कि हमको अवे सेंटर करले मते सेम आंसर आसीला ठीक अछि सो वर्तमान आमे अवे सेंटर रो आउ किछि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिबा करिबा चलो एबे मु कहि पारिबि कि आपनको आंसर जा पड़थिबो बा कांसेप्ट बुझा पड़थिबो ठीक अछि काहार पे जदि कोनोसे डाउट थाए ताहले मते निश्चित भाबरे कहिबे एवं देखो तो एठे मु गोटे अपन को कांसेप्ट क्लियर कर दो छी सीए सर्कल देउ सीए स्क्वायर रेक्टेंगल देउ सेम कांसेप्ट हबो लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम ही रहबो बस अपन को एतिक मन रखिबार अछि जे जदि सर्कल हेउछि एवं फेस ता प्लस सेंटर होउछि टुवर्ड्स सेंटर होची ताहले क्लॉकवाइज बुलीले लेफ्ट को जीवो एवं एंटी क्लॉकवाइज बुलीले राइट को जीवो एटा आपन को मन रखार अछि जदि फेस टा जणमर आउट ऑफ द सेंटर अछि सेंटर रो अवे अछि देन जदि सी क्लॉकवाइज बुलुचि सेटा तार राइट हबो एवं जदि सी एंटी क्लॉकवाइज बुलुचि सेटा तार लेफ्ट हबो एति को आपन को मन रखियार अछि ए दीटा कांसेप्ट मन रहि गेल ना ताहाले क्वेश्चन रो आंसर आपन इजीली बाहर कर दे पारिबे वर्तमान देखो तो किछ जण आपन माने थिले जो माने कि मते कहुथिले जे मैडम सेंटर बेस्ड क्वेश्चंस बुझांतु सेंटर बेस्ड क्वेश्चंस मो आपन को बुझि देली आपन जते बेले ए क्लास टे सरिबो संगे संगे जानतु सेही क्वेश्चंस बाहर करंतु जहां आपन
पाखरे थिला बा अछि ताको सॉल्यूशन करबा को ट्राई करंतु जे कांसेप्ट रे मु कहली जदि न करि पर्छथि ताले पत निश्चित भाबरे पचंतु किंतु मु श्योर छै जे आपन माने मन दे सुनि चंदी एवं क्लॉकवाइज रे लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज रे राइट हबो जदि सेंटर को फेस दिबो अवे को फेस ले क्लॉकवाइज राइट एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हबो ए कांसेप्ट जदि आपन भले भाबरे सुनि चंदी बुझि चंदी आज रे क्लास रे ताले आपन को आ कोन से असुविधा हेबो नै ताको सॉल्व करले बे तबे आमे क्लॉकवाइज रो किछ क्वेश्चन देखले एंटी क्लॉकवाइज रो किछ क्वेश्चंस देखले किछ क्वेश्चंस रो हम गोटे दिडा ही क्वेश्चन देखि छे चलन तो एंटी क्लॉक बा में अवे सेंटर रो अवे रो किछ क्वेश्चंस देखि दबा तापर किछ मिक्स क्वेश्चंस देखिबा मिक्स क्वेश्चंस इन द जे गोटे सर्कल टेबल अछि जो से कि किछ जण सेंटर आडा को फेस करछन्थि आउ किछ जण सेंटर रो अवे को फेस करछन्थि ए टाइप रो क्वेश्चंस असले आपन कि परिभाव रे करबे गोटे दुटी प्रैक्टिस कर दबा वर्तमान क्वेश्चन नंबर 3 हमर लेखा सरिची मु साइड अछि आपण माने पॉज करि क्वेश्चंस लेखि परिबे चलो तो स्टार्ट करिबा क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर कोन कहि छि से जस्ट अ मिनट से कहि छि फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर ओके सो हमें प्रथमे हमर सर्कल को क्रिएट कर देबा सर्कल एच पर्यंत अछि त माने सेम आठ जण अछंती 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके एवं से मानको फेस के वडे अछि सेंटर रु अवे को अछि से मानकर फेस बाहर पट को अछि सेंटर पट को नाही ता माने सेमाने जते बेले क्लॉकवाइज बुलीबे सेमाने बुलीबे राइट जते बेले सेमाने एंटी क्लॉकवाइज बुलीबे सेमाने बुलीबे लेफ्ट क्लियर स्टार्ट करिबा फर्स्ट पॉइंट देखो तो कौन होची ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच जेउठी भी हमरा एच अछि जेउठी भी एच अछि तार एच रो राइट रो फोर्थ प्लेस रे अछि ए चलो तो लिख दियो तो जे कोनोसी गोटे प्लेस रे एच लिख दबा एच रे वर्तमान राइट प्लेस देखिबा देखो तो से अवे फेस करची ता माने जदि क्लॉकवाइज गला लेफ्ट जीवो एवं एस्केमा करिवे जदि क्लॉकवाइज गला राइट जीवो एवं जदि एंटी क्लॉकवाइज गला लेफ्ट जीवो एवं ए तारो राइट रे अछि राइट रे अछि माने हमहु एही पट दिग रे डायरेक्शन रे जीवा को पडियो चलन तो 1 2 3 4 ता माने ए प्लेस रे आसी गला हमरो ए ओके सो ए रो हमरो आसी गला वर्तमान कौन कुछ देखिबा ए सीज राइट फोर्थ टू द राइट ऑफ एच हे गला व्हाइल सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी वर्तमान ये की व्हाइल कहां को डिनोट करू छी रिमेंबर म अपना मन को मतलब कौन कह ली जे जते मु सेंटेंस रे एंड देथिबो बट देथिबो बा व्हाइल देथिबो तेबे सी डिनोट करिबो बा यूज हेई छी बा इंडिकेट करू छी बुझौ छी फर्स्ट पर्सन को वर्तमान ए सीट्स टू द राइट ऑफ एच ए दी छी एच दी छी प्रथमे की आसु छी ए ता माने ए हो छी फर्स्ट पर्सन देन कोन देखले सेकंड पर्सन को बुझैबो फर्स्ट क्लास रे सिटिंग अरेंजमेंट रूम आपन को कहिथली जदि से आपन को पचैइबो हु व्हिच किंबा होम को पचैइबो तेबे सीए करिबो सेकंड पर्सन को डिनोट हु व्हिच होम पचैले सेकंड पर्सन एंड बट व्हाइल पचैले फर्स्ट पर्सन एठी व्हाइल पचै छ त माने सी ए विषय रे कहउची ठीक अछि देखो दो व्हाइल सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ ए कोन अछि व्हाइल माने बुझो छी माने ए को बुझो छी कहले ए अछि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ जेउठी भी एफ अछि एफ रो जेउठी एफ अछि एफ रो सेकंड को लेफ्ट को अछि ए तो वर्तमान लेफ्ट को किपर आसे करबो देखो दो जति हमें कहिबा ए एफ रो लेफ्ट रे अछि तार अल्टरनेट रे हमें कहि परिबा एफ ए रो राइट रे अछि ओके एफ ए रो राइट रे अछि केते राइट रे अछि सेकंड राइट रे तो एठी हम पकर एफ नाही सो एफ को बेस मानी मानी ए को बेस मानीबा ए रो राइट के वर्ड बसिबो क्लॉकवाइज असिबो तो 1 एवं 2 ता माने एक रहला एफ वर्तमान आपण सेही सेंटेंस को पढिया को देखंतु
F ଅଛି କ'ଣ କହିଛି A second to the left of F F ଯୋଉଠି ଅଛି ତାର left ର second place ରେ A ଅଛି କି ନାହିଁ ଇଏ ଅବେ ଫେସ୍ କରିଛି ତା ମାନେ clockwise ଗଲେ right ଏବଂ anti clockwise ଗଲେ left ଏବଂ ସେ କହିଛି left of F F ର left ଟା ଉପର ପଟକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ହେଲା 1 ଇଏ ହେଲା 2 clear next କ'ଣ କହୁଛି next ଦେଖିବା C is not the neighbor of F and B. C कौन है बनी? F एवं B रा neighbor है परिवार नहीं। तामने F सही हो ची? तो एठी C है परिवार नहीं? किंबा एठी C है परिवार नहीं? तामने A तीन नीता कौन सी कोटे place भीतरो C है परिवार? Okay? So वर्तमान लिखी दबा C एठी है परिवार, C एठी है परिवार, C एठी है परिवार। Next देखिबा कौन कहूँची? कारण ए तीनटा भितर में देखो दो ए तीनटा भितर में कोड हबो हमें जाने ने एतिको जाने छे जे एठी आ एठी हबनी जदी ए तीनटा भितर को प्लेस रे बी अछि जणा पड़ थांता तबे हमें जान थांते जे एठी से तार नेबर रे सी हबले बोली किंतु एठी कोनसी भी जगह रे बी जाने ने बी एठी भी हे पारे बी एठी भी हे पारे तेनो हमें एठी वर्तमान रे सी सी लिखि दे छे हेई पारेबा लॉजिक रो नेक्स्ट देखिबा डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी डी कौन है परिवो सी रो सी हमरो बेस वाला सी रो थर्ड प्लेस रे राइट को डी रही परिवो वर्तमान टिके हमें अरेंज कर दबा कोठी रही बरा चांसेस अच्छी एड देखो तो जब दिया हमरो एठी सी अच्छी राइट इटा जी है तो समझते अवे फेस कर चंदी क्लॉकवाइज राइट रहेगा एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट रहेगा ओके चलो तो इटा रहेला वन इटा रहेला टू एक तो सी रही बनी ही सी कोई चीज ना एटा रहला 1 एटी रहला 2 एटी रहला 3 एटा हमरा थर्ड प्लेस रे अछि थर्ड टू द राइट ऑफ सी सी रे हमें राइट को थर्ड जेबो चेष्टा करजे 1 2 3 एटी एफ डी पई स्पेस ही नाही एफ ऑलरेडी फिल अप करि सरची ता माने एटी कोन हबो ना एही जो प्लेस रे सी रहि परबो नाही ओके वर्तमान देखिबा ए प्लेस को देखिबो चेष्टा करबा देखो तो ए प्लेस यदि सी हला ताले ए पटे को जीवो क्लॉकवाइज राइट एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट आरंभ करबा 1 2 3 तो एठारे खाली प्लेस अछि तो पॉसिबिलिटी अछि एठी हमरो सी रही परबो ओके किंतु हमरो आउरे गुटे अछि एठी चांसेस रही परबो एठी एठी भी अछि देखिबा एठी भी रही परछि कि नहीं यदि एठी सी रहला एहार राइट को देखिबा थर्ड प्लेस 1 2 3 देखो तो थर्ड प्लेस रे की अछि ए ऑलरेडी फिल अप करी देछि तो ए लॉजिक रु आमे कोन जानि परिले जे हमर सी टा केउठी रहिबो सी रहिबो एठी ओके त 1 2 3 एवं ए जगह रे हमर रहिबो डी कारण से कहि छि डी सेट्स थर्ड्स टू द राइट ऑफ सी एटा जदी सी हला सी रो राइट को 1 2 एवं 3 ए 3 जगह रे आमे कोन लिखि परिबा डी बोली लिखि परिबा तो सी एवं डी रा प्लेस में मध्ये हमर बाहर बसी गेला बाहर पडिला आउ के बड़गर हे लागो चलू देखिबा एच नेवर सीट्स नेक्स्ट टू जी एच कोन हबनी नेवर सीट्स नेक्स्ट टू जी त जी आउ एच पाखा पाखी केबे रहिबेनी त एठी भी जी रहिबनी बा एठी भी जी रहिबनी के बड़गर रहला एठी बड़गर रहला जी ओके देखिला हमर माने नेक्स्ट कोन होची एठी बड़े पॉइंट माने पकड़ दू C is not to the neighbor of F and B. C F किंबा B रो नेबर हे परिवनी तो आमे जदि एठी B को लेखबा एठी ओ के नहा दे कहले एठी केवल E एब्सेंट अछि आउ B एब्सेंट अछि जदि मु एठी B लेखि देबि ताहाले हमरो जो माने कंडीशन अछि से सैटिस्फाइड हे परिवनी C B नेबर ऑफ F एंड B सी बी रा नेबर हे गला तो जदि हम एठी लिखिबा फुल हे जीव जदि हम एठी बी लिखिबा ताहाले सी हेबो ठीक एवं एठी रहि जीव ई क्लियर एही हिसाब रे सी एफ किंबा बी कहार मध्य नेबर हेलानी क्लियर सो हमर आंसर आसी गला ए डी एफ बी एच ई सी जी ओके क्लियर नेक्स्ट हमर क्वेश्चन कोन थिला क्वेश्चन थिला व्हिच पेयर सिट बिटवीन एच एंड जी को पेयर टा एच आउ जी भितरे रहो जी एच देखन तो एठे अछि जी अछि एठे ए भितरे के रहला सी एवं ई आपण को सी ई देखै पारे किंबा ई सी देखै पारे कारण से पचार ने लेफ्ट टू राइट किंबा राइट टू लेफ्ट पचार नाही सही कारण रो हम आंसर सी ई भी आसी पारे एवं ई सी मध्य आसी पारे
ओके आई होप आपनको क्लियरली बुझा पड़थिबो कि कोन कह गला आपनको केवल कांसेप्ट मन रखिवार अछि लेफ्ट कोटा राइट कोटा ठीक अछि फेस जदी सर्कल आडब करथिबे ताहा हले क्लॉकवाइज बुलीले लेफ्ट हबो एंटी क्लॉकवाइज बुलीले राइट हबो मु बारंबार रिपीट करछि एथि पई जे एटा ही होछि मेन सिटिंग अरेंजमेंट रा पाठरा बुझिबा जदी एटा ही आपन बुझिबे त किछ भी लाभ हबो नै सेहि लागि मु बारंबार कहछि जदी सेंटर रो अवे करले ताहाले क्लॉकवाइज बुलीले हबो राइट एंटी क्लॉकवाइज बुलीले हबो लेफ्ट क्लियर वर्तमान चैनल तो गोटे क्वेश्चन देखिबा जो थे कि मिक्स टाइप रो देखिबो कि किछ जनकर फेस भीतर को छि सेंटर रे को किछ जनकर फेस बाहर को छि सेंटर रो बाहर को चलन तो स्टार्ट करबा देखिबा केमति कोन केही केत जन करि पडछन्ति जो कांसेप्ट एबे आपन बुझिले जे लेफ्ट राइट रो ताको आपन यूज करी निजे मथ करि परिबे सो जो क्वेश्चन हो एबे लिखिबी मिक्स्ड रो से क्वेश्चन को लिखिबा पर आपन वीडियो को पॉज करंतो एवं पॉज करी निजे निजे करिया को चेष्टा करंतो चलु लिखु छी क्वेश्चन वर्तमान देखंतु क्वेश्चन नंबर 4 आपन मान को सामने रे मु लिखि सारे छी जेउठी गोटे एमिति क्वेश्चन देखिबा जेउठी रे गोटे सर्कल रे ही बसि छंती किंतु अलग अलग फेस करी बस छंती किछि जना सेंटर रा बाहर को फेस करी बस छंती त किछि जना सेंटर पे सेंटर को फेस करी बस छंती चलंतु देखिबा क्वेश्चन को हो छी A B C D E F G H R sitting around a circular table. के केवल अपन face कर चुके कौन ही नहीं? Only, okay? Only E G अरे अरे, just a minute. Only E G D are facing away from the circle. केवल E G एवं D G अच्छी से माने कौन कर चुन्दी अवे फ्रॉम द सेंटर सेंटर रु बाहर को फेस कर चुन्दी सो वर्तमान चलन तो गोटे लिस्ट कर दबा के को वर्ड को फेस कर चुन्दी ई जी एवं डी को फेस कर चुन्दी अवे फेस कर चुन्दी ताहले नेक्स्ट कौन को होची व्हाइल रेस्ट आर रेस्ट माने जो माने बड़का रही जाउ चुन्दी से माने के वर्ड को फेस कर चुन्दी रेस्ट आर फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल से माने बाकी जते जण रही गले ई जी डी को छाड़ी से माने सेंटर को फेस कर चुन्दी तो के रही गले ए रही गला बी रही गला सी रही गला डी अछि ई अछि एफ जी अछि एच एतिके जण कोन कर चुन्दी सेंटर आड़ को फेस कर चुन्दी वर्तमान एही जो टेबल भितरे आमे बाहर करले अवे आउ सेंटर आड़ को फेस करथिबा पर्सन मानन को देखी किए के वड़ को फेस कर छी आमे एठे हमरो डायग्राम तयारी करबा केत जण अछंती 8 जण अछंती तो प्रथमे आमे 8 जण को पई प्लेस क्रिएट कर देबा देखंतु 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 8 जण को क्रिएट हे गला वर्तमान फर्स्ट पॉइंट कोन को जी देखंतु फर्स्ट पॉइंट को जी बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए ओके बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए जो थी ए अछि तार राइट साइड रे सेकंड प्लेस रे बी अछि त आपन को कहि छी बेस को प्रथम बेस को आपन जे कोन से स्थान रे भी नै परिबे चलन तो एठे ले जीबा ए अछि ए र वर्तमान हमें देखिया को पड़िबो ए ए र फेस टा के वड को जे देखो ए र फेस टा अछि सेंटर आड को ता माने जदी ए र फेस सेंटर आड को अछि तार क्लॉकवाइज हे जीबो लेफ्ट एवं एंटी क्लॉकवाइज हे जीबो राइट एवं बी कोन करछि ए र राइट रे सेकंड प्लेस रे अछि तो देखि दबा 1 एवं 2 फर्स्ट एवं सेकंड ता माने बी रो पोजीशन अछि ओके सो वर्तमान आउ हम किछ आवश्यक नाही नेक्स्ट कोन कहि छि हु सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई वर्तमान देखंतु एठी मेन बुझियार पॉइंट होछि हुटा कहा को इंडिकेट करछि हुटा कहा को डिस्क्राइब करछि म आपन को कहितली हु व्हिच होम जदि आपन को देछि सेटा डेफिनेटली आपन को सेकंड पर्सन को इंडिकेट करथिबो एठी जदि कहिछि बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए बी हि होछि फर्स्ट पर्सन एवं ए हि होछि सेकंड पर्सन ता माने एठी जो हु अछि सी ए को इंडिकेट करछि एमिति हि जदि आपन एग्जाम रे हु बदल रे ए लेखि देबे एवं पढिबे भी सेमिति आउ हमें हु सिट्स पढिबानी हमें कोन पढिबा ए सिट्स ए सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई ओके ए कोन करछि राइट रे रहूछि कहार ई र ए ई थारु फिफ्थ पोजीशन राइट रहूछि देखंतु जोठे ई अछि ओके तार फिफ्थ पोजीशन 1 2 3 4 5 ए जगह रे 5 पोजीशन राइट को रहूछि ए ओके वर्तमान देखंतु ई हमर हे गेला बेस एवं ई र फेस को ओठि अछि
अवे अडको अछि अवे माने बाहर पटको अछि एवं जदि बाहर पटको थिबो ताहेले एही पटको आसिला बेलको तार राइट हे जिवो एवं एही पटको आसिला बेलको तार लेफ्ट हे जिवो एठी जी अछि तेनु मु टिके दूर दूर को कर देली ओके ए टू राइट आसी कि माने क्लॉकवाइज बुलिले राइट हे जिवो एवं एंटी क्लॉकवाइज बुलिले लेफ्ट हे जिवो क्वेश्चन कोन कहू छी ए अछि फिफ्थ नंबर पोजीशन रे वर्तमान देखो दु ए केते पोजीशन रे अछि फिफ्थ नंबर पोजीशन रे ई रो राइट हैंड को फिफ्थ नंबर पोजीशन रे ए अछि इजीली बाहर कर परबे ए होची फिफ्थ नंबर ता पूर्वडा के हबो फोर कारण मन रखंतु एंटी क्लॉकवाइज रे बा जेउठी भी ई रहइबो ई हमरो अवे फेस करछि जदि अवे फेस रे एंटी क्लॉकवाइज रे राइट एवं एंटी क्लॉकवाइज रे लेफ्ट होइता ए बारंबार कहि सालेनी सो ए रो पोजीशन हबो फिफ्थ ता पूर्वर के हबो फोर्थ ता पूर्वर हबो थर्ड सेकंड 1 एवं एठी है जो हमरो ई रहइबो 1 वर्तमान एठी देखंतु जहां क्वेश्चन रे कहि छि कंडीशंस सैटिस्फाई हेउ छि ना हेउनी सी कहि छि हु सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए अर्थात ई रो राइट साइड रे फिफ्थ पोजीशन रे ए अछि वर्तमान देखंतु ए ई अछि ई केउ आड को फेस करि अछि अवे छिले तार ए पट साइड हे जिवो क्लॉकवाइज राइट ए पट साइड हे जिवो लेफ्ट वर्तमान देखंतु 1 2 3 4 5 5 पोजीशन रे ए अछि ना तो अरेंजमेंट हमरो ठीक अछि सो जीवा नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन हमरो कोन कहि छि सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी ता माने हमरो डी जेउठी भी अछि सी सिट्स थर्ड डी जेउठी अछि तार लेफ्ट को थर्ड पोजीशन रे सी अछि तो एठी डी अछि त 1 2 3 एही पोजीशन रे सी अछि देखिबा डी हमरो बेस केउ आड को फेस करि छि अवे को फेस करि छि ओके ना हमरो एही फिगर रे सी अछि ना हमरो एही फिगर रे डी अछि तेनु एठी आमे जो अरेंजमेंट ना करिले ताकु एठी पुट करि परबा नाही वी हैव टू कंटिन्यू द स्टेटमेंट कोन कहि छि हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी जीए की बी रो राइट रे सेकंड पोजीशन रे अछि नाउ क्वेश्चन इज हु इज द हु एठी हु कहा को इंडिकेट करछि देखो तो हु कहा को इंडिकेट करला सेकंड पर्सन को एठी मध्य हु सेकंड पर्सन डी को इंडिकेट करबो तो एठी हु बदले रे आमे कोन पढिबा डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी ता माने जेउठे भी बी अछि बी रो राइट को सेकंड पोजीशन रे ए अछि बी एठी अछि 1 2 सेकंड पोजीशन रे अछि त बेस कोटा हला हमरो बी बेस हला वर्तमान देखो तो बी एठे केउ वाडा को फेस करै छि सेंटर को फेस कर छि केउठी अछि बी एठी अछि बी सेंटर को फेस कर छि जदि सेंटर को फेस करै छि क्लॉकवाइज गले एल बा लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज गले राइट हबो हम को जिबार अछि बी रो राइट को सेकंड पोजीशन तो बी रो राइट को ये हे गला 1 पोजीशन ये हे गला 2 पोजीशन ता माने एठी आ जाउ छि हमरो डी क्लियर एतिक वर्तमान क्लियर हे गला नेक्स्ट कोन को जे देखंतु ए पोजीशन को चलंतु हमरो डी मिलि गला सी और डी भीतर डी हम को मिलि गला सो हम एडा को कंटिन्यू कर परबा सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी डी जेउठी अछि डी रो लेफ्ट साइड रो थर्ड पोजीशन रे सी अछि तो डी एठी बेस हला बेस रो फेस देखो तू केउठी अछि बेस रो फेस डी अछि अवे को अछि माने डी कोन करथिबो बाहर पट को साइड को फेस करथिबो जदि बाहर पट को करछि ताहाले क्लॉकवाइज गले राइट एवं एंटी क्लॉकवाइज गले लेफ्ट सी कोन करछि सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी डी रो लेफ्ट हैंड को थर्ड पोजीशन रे अछि तो डी रो लेफ्ट हैंड को अछि 1 रे ई सेकंड ब्लैक 3 रे थर्ड का एठी रहिछिबो सी ओके क्लियर हेला वर्तमान नेक्स्ट आगु पढ़मा हमें नेक्स्ट कोन कहिछि हमरो एतिकी पर्यंत हेला सेकंड एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी एफ सिट करू छी कोठी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी वर्तमान जी हमर बेस हला जी जी उठी अछि जी रो लेफ्ट को सेकंड पोजीशन रे 1 2 सेकंड पोजीशन रे की करू छी एफ करू छी त वर्तमान जी रो फेस केउ आडा को छी देखन तो अवे अछि जदि जी रो फेस अवे अछि ओके देखो नाम पाखरे तीनटा ही प्लेस अछि एटा गोटे प्लेस अछि एटा गोटे प्लेस अछि एटा गोटे प्लेस अछि देखिबा वर्तमान जी केउठी रहि पारिबो ओके एठी जदि जी रहिला फर्स्ट आमे देखिबा जदि एठी जी जी एठी गोटे जी एठी गोटे जी आमे फर्स्ट कंडीशन देखिबा देखो तो जदि हमर एठी जी आमे रखिबा वर्तमान गोटे कहू छी त जी रो थर्ड पोजीशन रे हबो ओके जी रो फेस केउ आड को छी अवे आड को छी जदि जी रो फेस अवे सी एपटे हो बा एपटे हो जेपटे लेफ्ट हो जेउपटे राइट हो तार जो सेकंड पोजीशन
अछि से दीड़ा जगह त हमर फिल अप अछि ठीक अछि सी जी बाहर को फेस करू बा भीतर को फेस करू जी रो सेकंड पोजीशन रे एफ अछि ना तब से जो पटे भी लेफ्ट जाऊ जो पटे भी राइट जाऊ फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन उभय रो सेकंड पोजीशन हमर फिल अप अछि ता माने एथु कोन जाना पड़िला जे हमर जो जी टा रहिबो से जी टा एठी रहिबो नाही क्लियर तो वर्तमान रहिला जी एवं जी ए दीटा पिले से जी रहइबो पॉइंट कोन अछि जी रो लेफ्ट को सेकंड रे एफ रहइबो जी रो फेस रहइबो अवे जी रो फेस जदी एटा जदी हमरो जी हबो जी रो फेस जदी रहइबो अवे एई पटा रहइबो राइट साइड एई पटा रहइबो लेफ्ट साइड ओके ताहाले जी रो लेफ्ट रे सेकंड रे रहइबो एफ रहइबो तो जी रो लेफ्ट रे ये हे गला फर्स्ट पोजीशन ये हे गला सेकंड पोजीशन तो ये खापो खाउ छि ना हमरो एठी जी रहिला एठी एफ रहिला क्लियर बुझी परले इन केस यदि हम एतर अल्टरनेट करि थारदे देखो हम पूरी इरेज कर छि यदि हम एठी जी रखि थारदे जी जेहेतु अवे फेस करु छि राइट साइड हि संदा एई पट लेफ्ट साइड हि संदा एई पट लेफ्ट साइड रे कोठे हमरो प्लेस अछि कि लेफ्ट साइड रे एटा आसला वन एटा आसला सेकंड ई तो प्लेस कवर करि सरछि हेउछि कि हेउनी तार अर्थ जी हमरो एठी हि रहइबो एफ हमरो एठी हि रहइबो ओके तो जी के हम बड़ा रखला देखंतु हेच ही बड़ा रहला कारण हमरो एठी ए बी सी डी ई एफ जी हे गला एटा आसला हमरो हेच ओके एठी वर्तमान हमरो हे गला सर्कल कंप्लीट सो व्हाट इज द क्वेश्चन इज क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन कोन थिला हमरो देखंतु स्टेटमेंट एटे बटम ओके ग्राफ तारो फिगर एटे बटम माने छोटो था तो हमके एते काम करि करे पड़छि किंतु क्वेश्चन देखंतु गोटे 1 सेकंड रो क्वेश्चन आपन को पचार छि बस ए 1 सेकंड रो क्वेश्चन को दबा को 81 मिनट रो डायग्राम तो आपन को क्रिएट करे पड़े फर्स्ट वन होय छि हु सिट्स बिटवीन ए एंड एच ए आ एच भितरे कि अछि ए रहिला एठी एच रहिला एठी कि अछि कोंतु सी सो यार आंसर कोन आसीबो क्लियर आई होप आपण ए टाइप रो क्वेश्चंस को बुझी परिबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 4 लिखी छी ना तो आ गुटे क्वेश्चन कर देबा कि यार करिबा चलंतु आ गुटे क्वेश्चन कर देबा आई नो क्लास बहुत बड़ा हे गेलानी 1 आवर रो अधिक भी हे गेलानी ठीक अछि चलंतु आ करिबानी टाइम भी बहुत हे गेलानी एति गने थाउ जदि आपण माने बुझि न पारले ताले मते कहिबे डाउट सेशन रे आउ गुटे दुटी क्लास कर देबा ओके ठीक अछि थैंक यू सो मच जदि क्लास रे आपण को भल लागि छि ताले बहुत भल कथा म त किछि कहि पारबि नि जदि क्लास रे आपण को भल लागि छि बहुत भल कथा जदि कोनो से डाउट अछि ताले आपण माने मते निश्चय पचारबे थैंक यू सो मच